ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विपक्ष की यारी योगी पर भारी, आज हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इस जीत के मायने क्या हैं और उन समीकरणों को जरा हम टटोलने की कोशिश करेंगे विश्लेषण के जरिए कि इस जीत के पीछे की बुनियाद कब रखी गई, कैसे रखी गई और ये जीत कितनी बड़ा डैमेज माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जिस किले पर लगातार भगवा लहराता रहा 25 साल से, आज वहाँ पर बुआ और बबुआ ने मैदान मार लिया है। इसको हम कैसे समझें ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ ए के मिश्रा जी भी हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। केशव के गढ़ में रफ्तार से दौड़ी साइकिल, सपा के माया जाल ने ढहाया मौर्य का किला, यूपी में जम गई बुआ बबुआ की जोड़ी, लगने लगे बुआ भतीजा जिंदाबाद के नारे, बुआ भतीजा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुआ बबुआ की जोड़ी ने मोदी लहर को रोका, सेमीफाइनल के सिकंदर बने बुआ भतीजा, जीत गए भाई जीत गए, जीत गए भाई जीत गए। 2019 की महाभारत का महा ट्रेलर, आखिर बुआ भतीजे ने मिलकर बीजेपी का किला ढहा ही दिया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के गढ़ में अखिलेश की साइकिल पूरी रफ्तार से दौड़ी, खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य को भी यकीन नहीं हो रहा कि बुआ बबुआ की जोड़ी इस कदर कमाल कर देगी। अब सपा की साइकिल निकल पड़ी है तो केशव को लगता है कि कम मतदान हार की वजह है, तो बीजेपी के कद्दावर नेता सिद्धार्थनाथ सिंह कहते हैं कि अब नई रणनीति बनाएंगे। जिस प्रकार से जो नतीजे आए हैं आ रहे हैं वो स्वाभाविक है कि हम लोग को संतोषजनक नहीं है, मगर एक चीज और भी समझनी पड़ेगी कि चुनाव चल रहा था, समाजवादी पार्टी को दिख गया था कि वो हार रही है और हारते हुए उसने एक सहारा लिया और बीएसपी का सहारा लिया, वो उसको उसका फायदा मिला है, वोट ट्रांसफर हुए हैं। तो हमें भी इस अपनी रणनीति को चेंज करना पड़ेगा। अभी तक ये था कि समाजवादी और बीएसपी नहीं आएगी, अब मैं कहूँगा समय बहुत लंबा है लोकसभा चुनाव के लिए, हम लोग को पहले से अब समझ आ गया, तो अपनी रणनीति उसी आधार पर बनेगी, ड्रॉइंग बोर्ड पर फिर जाना है और फिर हम बनाएंगे। और संघर्ष करने वाली ये पार्टी है, इसलिए हमें चिंता नहीं है, मगर उस पर एक नई रणनीति से हमें आना पड़ेगा। और जब आएंगे तो ये जरूर है कि जो जनता है जो विकास चाहती है, विकास कर रही है ये पार्टी, चाहे केंद्र में हो या राज्य में, वो हम लोग को वोट जरूर देगी। ये मैं मानता हूँ, इतना मैं नहीं मान रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बसपा जो उसका वोट है उसे इतना ट्रांसफर कराने में कामयाब होगी, क्योंकि जब हम अपना कैंडिडेट लेकर के आए थे उस समय सपा और बसपा एक नहीं थे, और जब चुनाव के लिए मतदान होना था उस समय तक दोनों एक साथ आ गए, कांग्रेस भी आंतरिक समर्थन किया, और उसके कारण से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है, लेकिन अंतिम परिणाम आने के बाद हम सारे लोग, संगठन के लोग, पार्टी के लोग, सब लोग बैठेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे कि इसका कारण क्या था, और भविष्य में अगर सपा बसपा कांग्रेस तीनों साथ आकर के लड़ेंगे तब इनको कैसे परास्त करना है और 2019 में कैसे विजय प्राप्त करना है, इसकी रणनीति बनाएंगे। खैर, बुआ भतीजे की जोड़ी ने 2019 के महाभारत का महा ट्रेलर दिखा दिया। सपा के माया जाल ने भाजपाइयों को इस कदर फंसाया कि वो उलझते चले गए, बुआ भतीजे ने उन्हें सुलझने का मौका ही नहीं दिया, पूरी ताकत झोंक दी लेकिन माया जाल से बाहर नहीं निकल पाए और अपने ही गढ़ में केशव मौर्य को मुंह की खानी पड़ी। देखिए, जनता के फैसले को हम स्वीकार करते हैं, जो ये जनता ने फैसला दिया है यह अप्रत्याशित है, हम लोगों ने पूरी मेहनत की थी लेकिन कहाँ कमी रह गई है इस बात की हम अवश्य समीक्षा करेंगे।
जिसे 2019 में सपा बसपा का जो यह राजनीतिक सौदेबाजी एक बार पुनः प्रदेश और देश के विकास को बाधित करने के दिशा से बना है, इसके बारे में हम लोग अपनी पूरी रणनीति तैयार करेंगे। ये जनता का फैसला है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन के रूप में है, हम इस फैसले को स्वीकार करते हैं। मैं गोरखपुर से भी और फूलपुर से भी विजयी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जनता के इस फैसले के अनुरूप वे प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। क्या लगता है वजह, क्योंकि एक साल सरकार का होने जा रहा है, जैसे कि दावे थे विकास भी बहुत था, सपा बसपा का लास्ट मोमेंट पर अलायंस नहीं, देखिए इसमें दोनों चीजें हैं। सपा बस अंतिम समय में, क्योंकि जब प्रत्याशी घोषित हुए थे उस समय सपा अलग थी, बसपा अलग थी, कांग्रेस अलग थी, सभी लोग अलग अलग थे, लेकिन चुनाव के बीच में सपा बसपा का राज्यसभा चुनाव की दिशा से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना और जो एक बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं ना कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। हम इसकी समीक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि जो हमारी सीटें थी उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का हारना यह समीक्षा का विषय है और कहां कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करने, उनका परिमार्जन करने और भविष्य की बेहतर योजना बनाने के लिए जी जान से लग करके हम लोग कार्य करके दिखाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जो प्रदेश के अंदर बेमेल राजनीतिक सौदेबाजी का दौर पुनः शुरू करने का प्रयास हुआ है, प्रदेश की जनता इसको समझेगी। देखिए उपचुनाव स्थानीय मुद्दे भी उपचुनाव में हावी होते हैं। दूसरा, पब्लिक का रुझान, मतदान का प्रतिशत कम होना, जनरल चुनाव आएंगे तो जनरल चुनाव में राष्ट्रीय इश्यूज होंगे, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले पौने चार वर्षों के दौरान जो कार्य हुए हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, देश के अंदर जो एक विश्वास जगा है, ये नेशनल इश्यूज उसमें महत्वपूर्ण होंगे, लोकल इश्यूज उसमें डाइल्यूट होते हैं। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जब आम जनमानस कार्य करता है तो वह एक बड़े उद्देश्य को सामने रखकर देखता है, उपचुनाव में लोकल इश्यूज हावी हो जाते हैं, लेकिन इन सब की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। अतियात विश्वास में रहने की बजाय हम लोग इन सब दोनों चुनाव एक सबक हैं और इसकी समीक्षा आवश्यक है, जिससे भविष्य में हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकें। साफ तौर पर कहना है कि इस हार की समीक्षा हम करेंगे। उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी जीते हुए प्रत्याशियों को और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हमसे कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है और अब हम नए सिरे से नई रणनीतियां बनाएंगे, क्योंकि ये बात तो साफ हो गई है कि कुछ गड़बड़ हुई है। और उन्होंने कहा है कि कई बार उपचुनाव में जो लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल फैक्टर्स होते हैं, वो प्रभावी हो जाते हैं और वो एक बड़े बदलाव का की बुनियाद बन जाते हैं कई बार।
और यही हम समझने का प्रयास लगातार कर रहे हैं ये नतीजे सामने आने के बाद कि बीजेपी क्या आत्ममुग्धता का शिकार हो गई या उसकी सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई या फिर जो ये नई नई एक दोस्ती बनी है एसपी बीएसपी की, ये फैक्टर भारी पड़ गया है। एके मिश्रा जी, आप राजनीतिक सलाहकार हैं, आप लगातार ये बात कहते रहे कि उपचुनावों में लोकल फैक्टर फर्क डालते हैं, क्या यही बात योगी जी भी कह रहे हैं? नहीं, देखिए आप ही के चैनल पे मैं लगभग 11 तारीख के पहले से हूँ और वहां मैं क्लियर कट ये डिस्कशन में मैं बोलता रहा हूँ कि जो नेशनल लेवल का इलेक्शन होता है, जो स्टेट लेवल का होता है और जो लोकल लेवल का या बाई इलेक्शन किसी एक लिमिटेड सीट पे होती है, तीनों के डायनामिक्स, तीनों की क्रिया प्रतिक्रिया। एक बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने गोरखपुर में भी जीत दर्ज कर ली है, तो सपा ने दोनों ही सीटों पर मैदान मार लिया है और एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है समाजवादी पार्टी के लिए और उन्होंने जो गेम खेला इस चुनाव से पहले उसका असर देखिए अब दिख रहा है। एके मिश्रा जी, इस जीत को कैसे देखा जाए? नहीं, इस जीत को देखिए मैं आपको कंटिन्यू करता हूं जो मैं बता रहा था। मैं लगातार बोल रहा हूं कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस हो गए, मेयर के इलेक्शंस, ये इलेक्टोरल प्रोसीजर का, इलेक्शन का सबसे नेचुरल फॉर्म होता है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। इसको इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करिए। जब नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है तो हो सकता है कोई कैंडिडेट जो है बहुत कमजोर हो, लेकिन एक नेशनल हवा बनेगी, सेंट्रल कमेटी जो है अपनी इमेज बिल्डिंग करती है, वहां मुद्दे अलग होते हैं, लोगों का प्रेफरेंस और साइकोलॉजी अलग होती है। लोकल इलेक्शन में होता क्या है कि एक तो नेशनल बॉडीज का जो है सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसे केंद्रीय टीम का सपोर्ट नहीं मिलता, उतने बड़े लेवल पे प्रोपोगंडा नहीं होता है और क्योंकि उनके पास मुद्दे होते नहीं है। अब पाकिस्तान का मुद्दा तो आप बनाओगे नहीं यहाँ पे लड़ने के लिए, बेरोजगारी का मुद्दा बनाओगे नहीं, तो लोकल इलेक्शन पे जो कैंडिडेट होता है 80-90% हार्ड कोर उसकी मेहनत काम करती है, उसकी रेपो क्या है, उसकी इमेज क्या है और उस कैंडिडेट वर्सेस जो वोटर्स हैं उनके बीच की केमिस्ट्री और पॉलिटिकल बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, इस चीज पे ये डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये देखा जाए, आप पूरे इतिहास को लेके देखेंगे और भारत में जहां विभिन्न धर्मों के, संप्रदाय के, जाति पात के लोग रहते हैं, तो इस चीज को इलेक्शन से इनकार या निकाला नहीं जा सकता है। जातिगत तो जो मुद्दे होते हैं, देखिए एक चीज बताऊं, मत बंधन यानी वोट बंधन का सबसे प्रभावी तरीका भारत में अभी भी गठबंधन है। ये गठबंधन का असर आपको बिहार में भी देखने को मिला था कि 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने मंच से डिक्लेयर किया था, लेकिन ये गठबंधन के कारण इतना स्ट्रॉन्ग मत बंधन या वोट बंधन हुआ कि वो तीसरे नंबर पे आ गई। उसके बाद क्या होता है, देखिए रूलिंग पार्टी जो है उसने इस इलेक्शन को कैसे लिया, देखिए किसी एक पार्टी की जो कमजोरी होती है वो विपक्ष की या अपोजिशन की जो है मजबूती के रूप में उभरती है। रूलिंग पार्टी पे देखिए मिश्रा जी, हमारे सहयोगी विक्रांत ने सपा के जीते हुए प्रत्याशी जो गोरखपुर से हैं प्रवीण निषाद, उनसे बात की है, आइए जरा दिखाते हैं आपको। जीत जो है गोरखपुर की जनता की जीत है और जनता ने अगर हमको निर्णय देकर अपना मत देकर इस जीत का सारा समाजवादी पार्टी के ऊपर माना है, तो निश्चित तौर पर मैं गोरखपुर की जनता का बधाई चाहता हूँ और सेवा करने का अवसर। क्या बोलते हैं योगी का किला, पहली बार कोई योगी के खिलाफ मतलब जीत गया? ये तो बस मीडिया मतलब 20 दिन से करिए योगी का किला है। मगर मैं ये कभी नहीं कहा था, ये बाबा मच्छेंद्र जी का किला है और बाबा मच्छेंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज के दिन जनता ने जो निर्णय दिया और गोरखनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज के इस किले को ध्वस्त कर दिया गया। आप देख रहे थे कि बाबा मच्छेंद्र नाथ का आशीर्वाद मिला और प्रवीण निषाद जीत गया चुनाव। गोरखपुर से हिंदी खबर के लिए विक्रांत सिंह। 1/6 से जिसका कम होगा उसका होगा। कितने वोटों से सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया? मैंने तो बताया था कि लगभग कितना 60 मैंने कहा था। अपना पटे रह गया। मैं अमरपाल सिंह हूँ, उपजिला निर्वाचन अधिकारी। तो बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है, सपा के प्रत्याशी हैं प्रवीण निषाद और गोरखपुर में भी मैदान मार लिया है समाजवादी पार्टी ने। फूलपुर में भी हमने आपको
तस्वीर दिखाई, वहां पर भी बड़ी जीत जो है दर्ज की है समाजवादी पार्टी ने। और ए के मिश्रा जी लगातार हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और उन समीकरणों पर हम बात कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर इस जीत को रचा गया है। ए के मिश्रा जी, नहीं देखिए मैं कंटिन्यू करता हूं उसी जगह से। तो जो लोकल इलेक्शंस होते हैं ये सारी की सारी जीत या हार निर्भर करती है जो लोकल वहां पे बॉडीज हैं, जो नेता हैं, जैसे योगी जी हो गए, यहाँ बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री मौर्य जी थे, इन लोगों की कार्यकुशलता, इन लोगों की रणनीतिक दक्षता पे। दूसरा पॉइंट ये है कि पक्ष या विपक्ष किसी भी एक पार्टी की उदासीनता या कमजोरी जो होती है वो दूसरे पार्टी के लिए मजबूती बन जाती है। जातिगत जो गठबंधन हुआ, पॉलिटिक्स में हमेशा 1+1=11 होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। देखिए बीजेपी सेंट्रल कमांड की अपनी खूबी है स्ट्रेटजिक और इन सब चीजों पे अगर देखा जाए, तो वो इनपुट बीजेपी को अब की बार नहीं मिला। तो यानी ये इलेक्शन को आप बोल सकते हो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन जो अवेलेबल होता है या देखने को मिलता है ये वो था जहां पे कि आर्टिफिशियल किसी भी चीज का इन्फ्लुएंस नहीं था, जैसे आर्टिफिशियल मीडिया हो गई, आर्टिफिशियल सोशल मीडिया हो गई और आर्टिफिशियल मैन मेड जितने तरीके होते हैं वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो सारे फैक्टर्स यहां पे नहीं थे। प्योरेस्ट फॉर्म में ये इलेक्शन हुआ, अध्यक्ष था वोटर के सामने, वही उसने देखा और उसी आधार पर आप इसको ऐसे बोलिए कि बिना किसी इन्फ्लुएंस के। देखिए वोटर्स किसको वोट देगा, इसमें दो फैक्टर है, एक तो उसका सेल्फ का डिसीजन होता है, दूसरा इन्फ्लुएंसर का। इन्फ्लुएंसर में कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है, कोई बड़ा नेता भी हो सकता है, मीडिया सोशल मीडिया हो सकती है, अच्छी बुरी झूठी खबरें भी हो सकती है। तो यहां पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं था। तो जो वोटर हार्डकोर जिसको अच्छा लगता था, जिसके बारे में उसने मन से सोचा था, जो दिल की बात थी, वही के वोटर ने जो है वोटिंग मशीन में उतार दी। तो ये सर इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, ग्राम प्रधान के इलेक्शंस होते हैं, वो सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन होते हैं और केवल लोकल चीजों पे, लोकल डायनामिक्स, लोकल मुद्दे, लोकल कैंडिडेट, लोकल वर्करों की मेहनत पे वो डिपेंड करते हैं। जीत या हार जो होती है वो होती है, बाहरी किसी चीज का एडिटिव चीज जिसको बोला जाए या कोई बाहरी आर्टिफिशियल कैटालिस्ट इसमें काम नहीं करता है, कोई पॉलिटिकल कैटालिस्ट इसमें काम नहीं करता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एकदम प्योर फॉर्म है ये, एकदम मौलिकता इसमें झलक रही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसमें बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों का मुद्दे जो कोई फैब्रिकेट नहीं कर पाए फीलिंग्स को, और वहां के जो लोकल फैक्टर्स थे, जो लोकल मुद्दे थे, लोकल प्रत्याशी को लेकर जो लोगों की राय थी वो कारगर हो गई। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि अब सामने 2019 का रण है, बहुत बड़ा चुनाव है, क्या ये माना जाए, हालांकि ये प्रचारित किया जाएगा विपक्ष की तरफ से कि नाकाम हो गई बीजेपी अपने घर में, सीएम डिप्टी सीएम की सीट बचाई नहीं गई इनसे, ये 2019 में क्या करेंगे, और भोज की राजनीति हो ही रही है। आपने देखा सोनिया गांधी की आवाज़ पर सब पहुंचे, उसमें तेजस्वी थे, 17 दलों के वहां पर प्रतिनिधि पहुंचे थे। ये जो प्रयास हो रहा है ये क्या और खतरनाक या खतरे की घंटी होगा बीजेपी के लिए, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं देखिए, अगर विपक्ष के जितने भी लीडर यहाँ पे सुन रहे होंगे, मैं उनसे बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विपक्ष का भी लोकतंत्र में मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। देखिए आप ही के चैनल पे मैंने बहुत पहले डिक्लेयर किया था कि फूलपुर में मेरे को कोई डाउट नहीं है, सपा बसपा जीत जाएगी, चाहे अतीक अहमद या कोई भी हो, वो रिजल्ट आपके सामने है। ये आज नहीं, इलेक्शन के पहले भी मैंने बोल, इलेक्शन होने के पहले। दूसरी चीज मैंने यहीं पे ये भी बोली थी कि कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की चीज नहीं है कि गोरखपुर से भी बीजेपी हार जाए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन 1-2% के चांसेस हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए इस डायनामिक्स के हम एनालिसिस करते हैं, अगर विपक्षी दल सपा बसपा ये सब ये सोच रहे हैं कि हम इस इलेक्शंस के रिजल्ट को यार्ड स्टिक बना के 2019 में भी जीत लेंगे या अभी से ये प्रचारित करें, हालांकि वो करेंगे, पॉलिटिक्स में ये होता है सब जगह, ये सब जगह यही होगा, लेकिन इसका 2019 के इलेक्शन से कोई जो है लेना देना नहीं है। और उसमें दूसरी चीज ये भी है कि जब लिमिटेड एरिया में वॉर होता है, जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर देखिए जो छोटे एरिया में होता है, और जब फुल स्केल पे वार होता है जहां पे हर चीज ओपन होती है, कोई भी दांव पेच आप चलिए, कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, वहां के डायनामिक्स, वहां के रिजल्ट और वहां के लोगों का मनोभाव, मैं आपको ये भी एश्योर करता हूं 2019 में अगर इलेक्शन होगा और अगर गठबंधन भी हुआ तो यही वोटर जो जिन्होंने इन लोगों को वोट दिया है वो पलट के कहीं, भाई 2014 में भी तो बीजेपी को जो जीत मिली, जो वोट शिफ्ट हुआ 10-15-20% का एडिशनल, वो सपा बसपा मायावती जी कांग्रेस इन्हीं
भाजपा के तो वोट थे, क्यों वो सपा बसपा को छोड़ करके चले आए? तो जो फुल फ्लैग वॉर होता है, जो फुल फ्लैग इलेक्शन नेशनल या स्टेट लेवल पे होता है, वोटर वही रहते हैं सर, वोटर कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन वो अपना प्रिफरेंस बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं, इसके पीछे की डायनामिक्स को समझिए। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग स्टिमुलस जो होते हैं, वो काम करते हैं, और वोटर का जो फाइनल फर्स्ट डिसीजन होता है, वो वोटिंग डे तक जाते जाते कई बार पलटी खाते खाते बदल करके अल्टीमेटली वो जिससे इन्फ्लुएंस होता है उसको जाकर के वो वोट डाल देता है। ये फैक्टर काम करता है। तो 2019 के इलेक्शन के लिए इसको यार्ड स्टिक टेक्निकल वे पे अगर एनालिसिस की जाए, स्ट्रेटेजिक वे पे, तो मैं नहीं मानता हूं। दो सीटों की हार या जीत को पूरे आप 500 पूरे लोकसभा की सीट या इलेक्शन के लिए यार्ड स्टिक आप नहीं मान सकते हो। एक चीज और है, क्या यह भी है कि सोशल इंजीनियरिंग के जिस फॉर्मूले पर आकलन किया बीजेपी ने इन दो सीटों पर, यहां पर उसकी सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई क्या? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर प्रत्यक्ष रिजल्ट को देखा जाए और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर है, तो जो रिजल्ट बोल रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, रिकॉर्ड्स में सब जगह दर्ज होगा कि भाई बीजेपी हार गई, ये दोनों लोग जीत गए, तो उसके लिए आपके प्रश्न का आंसर है मेरा हाँ। लेकिन अब थोड़ा सा इतर जाके डिफरेंट सिक्के के दूसरे पहलू के आप से जो है आप जो है एनालाइज करें, पाया क्या, खोया तो ये, खोया क्या पाया क्या। देखिए, आप ये मान सकते हैं कि जो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने इजी वे में हार जाए, कहीं ना कहीं मेरे दिल में मैं ये भी मानता हूं स्ट्रेटजिक वे में कि बीजेपी ने जानबूझ के इस इलेक्शन को हारने दिया या दूसरों को जीतने दिया। कहने का मतलब ऐसा नहीं बोला कि तुम जीत जाओ, कहने का मतलब अपने इफर्ट्स को उन्होंने डाला नहीं, अच्छे तरीके से वो लड़े नहीं। अब इसके पीछे दो तीन लॉजिक होते हैं, देखिए मैं बताऊं। सबसे पहला लॉजिक ये होता है कि भाई हर बार ईवीएम की बात होती है, अब विपक्षी दलों का मुंह बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, आप एक देखिए, बड़ा लोकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि शेर जब लंबी छलांग लगाना होता है तो दो चार कदम पीछे चलता है। बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है सर, मैं आपको स्ट्रेटजिक वे पे बता दूं, और विपक्ष को बहुत खुश नहीं होना चाहिए, उनको ये सब चीजें समझना चाहिए। भाई दो सीटें हारने या जीतने से बीजेपी को सेंटर और यूपी में क्या फर्क पड़ेगा, उनकी सरकार तो बनेगी नहीं, उनकी पावर कैपेसिटी में कोई चेंज तो होगा नहीं। तो बीजेपी ने यह बोला ठीक है भाई आप लेके जाओ। तीसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये बड़ा डिफरेंस है, आई एम श्योर कि किसी भी चैनल पे ये डिस्कस नहीं हो रहा होगा, वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम या चैलेंजेस किसी भी पार्टी में दो लेवल पे होती है। एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है, तो एक्सटर्नल चैलेंजेस में तो सारे पार्टी के लोग एक होते हैं, तो एक यहां पे ये देखना पड़ा कि एक्सटर्नल चैलेंजेस में बीजेपी हार गई। एक और चैलेंज होता है सर पार्टी में, विद इन पार्टी होता है, जिसको इंटरनल चैलेंजेस बोलते हैं। जितने भी किसी भी पार्टी में जितने भी नेता होते हैं, अनडाउटली उनका भी कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में, और वो उस ग्रुप में देखेंगे तो उनका भी ग्रुप डायनामिक्स एक अलग तरीके से काम करता है, और उनके अंदर भी आंतरिक कंपटीशन और प्रतिद्वंदिता होती है कि कौन आगे बढ़ेगा। अब इस पॉइंट पे अगर एनालिसिस करिए, तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि बीजेपी ने जानबूझ के हारने दिया, आप जरा बैक में जाइए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो लाल कृष्ण आडवाणी और दो और लीडरों को क्यों इन्होंने मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, इसके पीछे क्या रीजन था? अपने इंटरनल कंपटीशन को खत्म करना। अभी पीछे ये भी चर्चा चली थी कि भारत का नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो होगा वो योगी जी होंगे, जिस हिसाब से योगी जी की जो है प्रतिभा आगे बढ़ रही थी, तो ये इंटरनल कंपटीशन को मैनेज करने के लिए भी ये हो सकता है कि बोला जाए कि भाई आप एक अपनी सीट तो हार गए, तो आप पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर कैसे बनोगे, या पूरे देश के जो है पूरे देश की जो है बागडोर आप चुनावों में कैसे संभालो, मतलब जो घातक आशंकाएं थी बीजेपी को लेकर उसे ध्वस्त कर दिया। हाँ, तो नहीं देखिए, आशंका थी क्या नहीं थी मैं क्लेम नहीं करता हूं। मैं तो कंपटीशन के दो कंपटीशन देखिए तीन पैरामीटर पे होता है, एक होता है इंटरनल एक्सटर्नल, और एक आप लेटेंट जो है कंपटीशन या अनसीन कंपटीशन, जिसके बारे में इमेजिनेशन भी नहीं होता है। तो मैंने तो केवल जो लेटेंट कंपटीशन होता है और कंपटीशन विद इन पार्टी होता है, जो इंटरनल पार्टी होता है, उस चीज पे मैंने इस चीज को एनालाइज किया। तीसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इतनी इंपॉर्टेंट सीटें दोनों जगह उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, और इतनी आसानी से और इतने बड़े अंतर से हार जाना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि इन्होंने अपने फुल रिसोर्सेस को फुल फ्लैग वे में यूज नहीं किया, यानी पूरे दिल से पूरे मन से इन लोगों ने नहीं लड़ा। अदरवाइज इतनी आसान जीत होना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि हार कर भी जीता है बीजेपी ने कुछ, और वो बाजीगरी इसमें आपको दिख रही है। देखिए, गुजरात इलेक्शन में
मैंने गुजरात इलेक्शन के पहले मेरी एक बाइट थी, उस बाइट का टाइटल है नो मोर क्लीन स्वीप्स बाय बीजेपी। बीजेपी के लिए भी कंपटीशन बढ़ रहा है। और दूसरी चीज, एक चीज और देखिए, बीजेपी रणनीतिक रूप में इतनी माहिर पार्टी है ना कि वो बालू से भी तेल निकालती है, यानी हार से भी, अपनी हार से भी वो जीत का रास्ता निकालती है फ्यूचर के लिए। और यही है कि मैं विपक्ष की पार्टियों को बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा इस एंगल से भी आप सोचिए। देखिए, बीजेपी के लिए ये जीत कैसे, ये जीत की मैं आपको बात बोलता हूं। 2019 में जब सारा इलेक्शन होगा, सारे मुद्दे अलग होंगे। ईवीएम के मामले पे इन्होंने लोगों का मुंह बंद कर दिया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ईवीएम वाला मामला सही है या गलत है, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता हूं। पॉलिटिक्स में नेता लोग आपस में आरोप लगाए रहते हैं। उसके बाद और आप ये देखिए कि जब ये लोकल बॉडीज पे जो इनको कॉम्पिटिशन मिल रहा था कि यूपी का कोई लीडर उभर रहा है या नहीं उभर रहा है, उसको भी इन्होंने कर दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। देखिए, ये होगा क्या, जब विपक्ष खुश होगा तो एक और साइकोलॉजी होती है, विपक्ष एकदम रिलैक्स हो जाएगा, वो सोचेगा जी हमारी जीत हो गई है, वो काम करना बंद कर देता है, जैसे कछुए और खरगोश वाली। जी, जी, जी। बीजेपी में एक बड़ी अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊं, ये रेगुलर काम करते हैं बिना हार और जीत के, रिजल्ट कुछ भी हो। बीजेपी अपना यूपी के लिए 2019 के लिए अभी से नहीं, बहुत पहले से काम कर रही है। ये काम करते रहेंगे, अभी विपक्ष एक महीने तक खुशी जो है मनाएगा, ऐसे करके वो टाइम बीतता जाएगा। और इस इलेक्शन के बाद ये भी नहीं है कि बीजेपी के तर्कस में जो तीर है वो खाली हो गए हैं, उसके तर्कस में भी बहुत सारे तीर हैं। हो सकता है कि यही मायावती जी ने जो अभी यहां पे समझौता किया है बीजेपी से कर ले। पॉलिटिक्स में नो वन इज परमानेंट या लॉन्ग टर्म फ्रेंड और फो, कोई भी दुश्मन या मित्र नहीं होता। हो सकता है समाजवादी पार्टी के आधे लीडर या बहुत सारे, पूरी समाजवादी पार्टी समझौता कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2019 के डायनामिक्स अलग होंगे, तो इस इलेक्शन से मैं 2019 को नहीं देखता हूं। बिल्कुल, सियासत कहते ही है कि संभावनाओं का खेल है, और ये जो नई दोस्ती हुई है इसमें क्या संभावनाएं हैं ये भी हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।